वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपना हेलमेट क्लीन करना है और कैसे अपना सेटअप करना है पूरा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बड़े होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। फिलहाल हम अपने सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि यार आप अपना इतना परफेक्टली अपना गोप्रो सेटअप कैसे किया है, कुछ इसकी ट्यूटोरियल दीजिए। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाई जाए इस बारे में, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट सेटअप रहेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो शिप वाला माउंट लगा के रखते हैं और बहुत लोग एमसीयू वाला माउंट लगा के रखते हैं, तो आपके लिए कौन सा परफेक्ट है? मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरी गोवा वाली सीरीज चल रही है। तो मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि हमने हल्द्वानी टू गोवा करा था, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपका गोप्रो का सेटअप काफी अच्छा है और आपने काफी अच्छे से एंगल किया हुआ है अपने गोप्रो को। तो मेरे पर्सपेक्टिव ये रहता है कि मैं 30% भी बाइक दिखाऊं और 70% अपना व्यू दिखाऊं जहां पे भी मैं ट्रेवल कर रहा हूं। अभी बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा है कि कुछ कुछ लोग पूरा अपनी बाइक दिखाते हैं और व्यू कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 100% अपना व्यू दिखाएंगे और बाइक दिखती नहीं है कि किसमें है क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। बहुत लोगों ने मेरे को काफी अप्रिशिएट किया था मेरे गोवा वाली सीरीज, तो मैंने सोचा कि यार एक परफेक्ट वीडियो बनाई जाएगी, मतलब कैसे हम अपना गोप्रो सेटअप कर सकते हैं इन इजी वेज। मैंने ऑलमोस्ट मैंने सारे माउंट यूज कर चुका हूं अभी तक। तो आता है स्ट्रिप वाला माउंट, तो एक बार मैं आपको स्ट्रिप माउंट दिखाता हूं कि स्ट्रिप माउंट होता क्या है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं मेरा गोप्रो अभी माउंट है। जो सबसे मेरा पुराना गोप्रो था SJKM 6 Legend, मैंने इससे स्टार्ट किया हुआ था। तो यह है स्ट्रिप माउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मोस्टली इससे क्या होता है ना कि हम इसको स्ट्रिप करते हैं, जैसे मेरा हेलमेट है, ये मेरा एक्सोर का हेलमेट है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ कि स्ट्रिप माउंट ऐसे लगता है, देखो जैसे वाइजर के अंदर से जाता है, ठीक है, ये चीज ऐसे लगती है और अपना वाइजर पूरा परफेक्टली बंद नहीं हो पाता है। और ये जो आप विंड फ्लैप देख रहे हैं इसको भी निकालना पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें पूरे हेलमेट में विंड घुसती रहती है और इसका वाइजर भी पूरा परफेक्टली बंद नहीं हो पाता है। सेकंड आता है अपना एमसील माउंट, ये आप देख रहे हैं, ये एमसील है, पूरा का पूरा मेरा एमसील पूरा जड़ से ही फट गया था। इसकी भी एक स्टोरी है पूरी, और एक बार नहीं हुआ, मेरे से दो बार हुआ है, पूरा एमसील के साथ ही पूरा माउंट टूट गया है। तो इसको हम एक बार परफेक्टली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा माउंट है स्ट्रिप वाला माउंट, दूसरा है हमारा एमसी वाला माउंट। तो इसकी भी स्टोरी है, मैंने आपको बोला था गया था देहरादून और मैंने इसको हेलमेट को रखा था साइड में और मैं कुछ देखने लग गया था, तो मेरा सडनली फिसला हेलमेट और सीधे माउंट पे लगा हुआ, सीधा माउंट से सीधे ये एमसी वाला निकल गया था। मैंने इसको अच्छे से परफेक्टली बनाया हुआ था कि ये उखड़े ना निकले, बट इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, हेलमेट पूरा खराब कर देता है, मेरा पूरा हेलमेट खराब हो गया था इसके चक्कर से और माउंट पूरा निकल चुका था और मेरे पास उस टाइम में माउंट था नहीं। मैंने इसको सोचा था ये परमानेंट माउंट है एमसील वाला, बट ये भी इतना साथ नहीं दिया, एक बार नहीं बनाया, मैंने दो बार बनाया था। ये देखिए एमसील दिख रही होगी इसमें। और तीसरा माउंट आया था अपना ब्लू आर्मर का, ये हमारा ब्लू आर्मर का माउंट है। तो मैंने एक्स्ट्रा माउंट मंगा के रखा हुआ है, रिसेंटली मेरे उसमें लगा हुआ है ब्लू आर्मर का ही माउंट। तो इसको मैंने हर जगह टेस्ट किया है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसको हल्द्वानी टू गोवा करा हुआ है, बरसात में भी, गर्मी में, धूप में, धूल धक्कड़ में यूज़ करा। मेरे को इसको 1.5 साल हो चुका है, मतलब इतना परफेक्टली फिट हुआ है ना, मेरे को लगता नहीं था कि एमसील माउंट से बेस्ट कुछ हो सकता है। तो इससे पहले भी मैंने एमसील वाली माउंट की वीडियो बनाई थी, तो ये आपको वीडियो फ्लैश हो रही होगी, मैंने एमसील वाला माउंट बनाया था पूरा और कितना टाइम वेस्ट होता है, इसको पूरा एक दिन पूरा सेटअप करने में जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमको बस चिपका देना है ओनली। तो इसको खोल लेते हैं एक बार, इसकी प्राइसिंग में आपको बताऊंगा कितने का पड़ा मेरे को। यह है अपना ब्लू आर्मर का माउंट, काफी स्टडी है और इसकी क्वालिटी मैं जानता हूँ भाई। जो सेटअप है ब्लू आर्मर के फ्रंट में आता है और ये सेटअप होता है ऐसे करके। अगर मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो ये 300 रुपीज का मेरे को पड़ा है। तो बात करें अपने कैमरास की, तो ये मैंने सेकेंड हैंड लिया हुआ था, तो ये मेरे को 4-5 हज़ार में मेरे को मिल गया था। तो मैंने काफ़ी यूज़ करा इससे, मैंने काफ़ी चीज़ सीखी थी। और फिर उसके बाद मैंने लिया GoPro Hero 8, तो ये है मेरा सेकेंड कैमरा, ये काफ़ी बेस्ट है, वी ऑल नो डैट कि कितना बढ़िया है कैमरा। बट इसमें भी वही है दिक्कत, लैग होने की, हैंग पड़ जाता है कई बार, फिर बैटरी निकालो फिर डालो, इसमें काफ़ी चीज़ें थी। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ टोटली, मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस किया आपने। तो और ये है अपना मीडियम मोड जिसमें आप अपना माइक सेटअप करते हैं, जो मेरे हेलमेट में माइक लगा हुआ है। तो दिस इज़ माइक, मैं माइक यूज़ करता हूँ सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा एफिशिएंट, मतलब पैसे में सबसे लो और क्वालिटी में हाई, ये लेवलर माइक है। इसका मॉडल नंबर है AU 400। तो भाई 400-500 रुपये में हमें पड़ जाता है। तो एक बार ये वीडियो देखो, इसकी क्वालिटी देखो भाई, कितनी क्रिस्पी है, क्लियरिटी देखो और विंड की नॉइज बिल्कुल भी अंतर नहीं आती है। मस्त सूरज निकला हुआ है यहाँ पे से और क्या मस्त नज़ारे हो रहे हैं अभी। तो मैंने एक्स्ट्रा में दो रखे हुए हैं, कभी ख़राब हो जाता था दूसरा मैं यूज़ कर लूँगा। सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो मैंने अपना एक सेटअप बना के रखा हुआ है, तो इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एलन की मिल जाएगी, एक्स्ट्रा माउंट्स मिल जाएंगे और जे माउंट मिल जाएगा आपको। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जमा करके रखी हुई, जैसे इन राइड टूट जाती हैं, स्क्रूज भी हैं मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा,
तो ये चीज़ें राइड में काफ़ी काम आती हैं, जैसे राइड में कुछ टूट जाता है, गिर जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो मैंने अब प्रिकॉशन बाय प्रिकॉशन मैंने लेना स्टार्ट किया है। और मेरे पास पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है इसका, अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है और इसका निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसमें कुछ नहीं है, कुछ चिपका देना इजीली। आप ये ध्यान रखना कि इसका लेवल जो एंगल है वो स्ट्रेट रहे, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना, नीचे भी लगा रहे हैं, ये दिस इज़ द बेस्ट। और अपने माइक के बारे में बात करें तो माइक हमने अपना सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, अंदर में दिख रहा होगा आपको, दिस इज़ द माइक जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने इसको टेप लगा के मैंने इसको साइड में फंसा दिया था, जो इसकी पैडिंग होती है, साइड की पैडिंग। तो अब हम निकाल लेते हैं अपनी पैडिंग। अलग अलग डिपेंड करता है आपकी, आपका हेलमेट कौन सा है, क्या है करके। तो मेरे पास पड़ा है एग्जॉर, तो इसमें ये देखिए बटन है, तो ये ऐसे खुलता है, साइड की पैडिंग निकल चुकी है हैंड का। तो हमारे पास एक और चीज़ पड़ी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड हेलमेट क्लीनर। तो ये काफ़ी एफिशिएंट रहता है यार हेलमेट क्लीन करने के लिए। अंदर से जैसे ये खोल लिया हमने, और इसके अंदर गंदगी देखो कितनी गंदगी है ना, फॉर्म बेस्ड है, देखो फॉर्म बन गया। तो इससे क्या रहता है ना, जो अंदर बैक्टीरिया होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो परफेक्टली साफ कर देता है, लाइक दिस। देखो मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 मंथ्स में तो आपको करना ही चाहिए चीज, हेलमेट में हाइजीन रखना है। देखो बताए बहुत टाइम लगता है इस पे हेलमेट को अच्छे से सेटल करने में। अब इसको क्या करना है ना, साइड में रखना है इसको, अब हेलमेट के साइड वाली पैडिंग में लाइक दिस डाल दिया। अब वो ना चुभेगा ना मुंह में आएगा, लाइक दिस। देखो कितना क्लीन सेटअप लग रहा है। देखो तो हमने दो निकाले हुए थे, एक लगेगा मेरे गोप्रो में और दूसरा आएगा मेरे चिन पे, माइक डॉक्टर टेप से चिपका लेंगे इसको चिन में, जो अपना माइक है, ये देखो माइक है, इसको चिपका लेंगे यहाँ। अब देखो किस तरह लगाया मैंने इसको, अंदर टेप लगा के अंदर माइक लगा दिया, बस सेटअप हो गया अपना। तो ये है अपना माउंट जो मैंने अभी बनाया था, इसको इसमें अटैच करना है लाइक दिस, डन। बस अपना एडेप्टर के साथ इसको अटैच कर देते हैं। ये बन गया अपना, जो हमने माइक की वायर निकाली थी साइड से वो जाएगी इसमें। अब हम इसको स्क्रू कर देंगे, देखने का कितना बढ़िया लग रहा है, देखो है ना, क्लीन सेटअप। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग इतना बड़ा बड़ा अपना एक्सटेंड करके अपना बहुत वाहियात सा बनाते हैं माउंट, तो मेरे को पसंद नहीं आता है, तो दिस इज़ द बेस्ट भाई। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा हल्का सा टिल्ट दिख रहा होगा आपको, अगर मैं आपको हेलमेट पहन के दिखा देता हूँ। तो ये हमने हेलमेट पहन रखा है, तो हमारा जो हेलमेट है उसका थोड़ा लेवल जो है ये स्ट्रेट नहीं रहता है, थोड़ा नीचे रहता है इस तरफ से। तो इसके एरोडायनामिक्स अच्छे करने के लिए इसको थोड़ा हेलमेट को थोड़ा नीचे को बनाया जाता है चल के। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो व्यू है वो 30% हमारा बाइक आएगी, 70% हमारा व्यू दिखेगा, और दिस इज़ द बेस्ट व्यू। बट ये कितना क्लीन और बढ़िया है, देखो ज़्यादा गंदा भी नहीं लग रहा है और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है भाई। इससे बेस्ट और क्लीन सेटअप मैंने आज तक का नहीं बनाया ना देखा है कभी। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, मैंने आपको थोड़ी डिटेल में समझाई थी कि कैसे अपना हेलमेट को सेटअप करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई फ्रेश वीडियो में, तब तक राइट सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।